दो दिन पूर्व शहर के राउजी बाजार थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसमें शनिवार सुबह हाथीपाला स्थित नाले में एक बच्चे का शव पुलिस को बरामद हो गया था। वहीं पुलिस दूसरे बच्चे की तलाश कर रही है। पुलिस की माने तो पानी का बहाव अधिक होने से बच्चा बहकर कहीं दूर जा सकता है, लेकिन पुलिस व नगर निगम के कर्मचारी द्वारा शव को लगातार खोजा जा रहा है। शुक्रवार को राउजी बाजार थाना क्षेत्र में यश और कृष दो सगे भाइयों की नाले में बहने के बाद मौत हो गई, जहां परिजनों द्वारा लगातार नगर निगम को घटना के बाद फोन किया जा रहा था, लेकिन नगर निगम द्वारा किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं की गई। वहीं शनिवार को यश का शव पुलिस ने नाले से बरामद किया, लेकिन कृष का शव अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा लगातार नाले के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई थी कल, उसने कोई हमारी मदद नहीं करी। परसों भी आए थे वो लोग रात को, जब भी कोई मदद नहीं करी। हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं, युवा लोग, इन लोगों ने मेहनत करके रस्सी बांध के बगैर उसके उस बच्चे को ढूंढा था, और प्रसाद कोई मदद हमको नहीं मिली। अभी भी रेस्क्यू चल रहा शुरू आज, ये आज उतरे, जब आज हमने आके चिल्ला चोट कराए, युवा लोगों ने उनको चिल्ला चोट करी, जब जाके टीम आज उतरी है। कल हमने यहाँ से लेकर तोड़े तक सर्चिंग करी थी, और वापस यहीं से हाथीपाला से लेकर तोड़े तक करवा रहे सर्चिंग। नहीं, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा नाम रितेश राम। हाँ, परसों 16 तारीख को दो बच्चे शंकरबाग से नाले में बह गए थे, जिनका कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, तो एक बच्चा मिल गया था, तो दूसरा बच्चा अभी तक नहीं मिला है। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन SDRF की टीम और मोहल्ले और उनके परिवारजन के साथ चल रहा है। परिजनों का बार बार यही कहना पड़ रहा है कि अब पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, इसको लेकर के क्या इसकी कोताही बढ़ती जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि अब एरिया बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा एरिया है, कहीं भी बह के कहीं भी जा सकता है, तब तो उसको सर्च करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, और सभी कंटिन्यू सर्चिंग चल रही है। मोहल्ले के लोग भी हैं, SDRF की टीम भी है, पुलिस भी है, और परिवारजन भी सभी लोग। कहीं गाद में या किसी तरह की स्थिति बच्चा, क्योंकि पहला जो बच्चा मिला उसके अब क्या लगता है, किस तरह? हाँ, निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गाद और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहाव अब उतर रहा है, तो पानी भी बहुत कम हो गया है, तो बोट वगैरह भी SDRF की चल नहीं पा रही है, तो पैदल ही उन नाले में उतर के ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।